हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक 14 प्रो मैक्स है। ओके, इसमें इशू ये है कि अगर आप देखोगे तो ये सेटिंग ओपन करते ही, जैसे हम सेटिंग ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेड कैमरा मैसेज। ठीक है, अगर आप जैसे जर्नल में भी जाओगे, अबाउट में जाओगे, तो यहाँ पे भी अननोन पार्ट, कैमरा अननोन पार्ट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये जो पार्ट है एप्पल की तरफ से वेरीफाइड नहीं है। ओके, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए, अभी आपको मैं इसका, अगर खाली इसमें मैसेज है, बाकी अगर आप देखें तो कैमरा वगैरह पूरा परफेक्ट चल रहा है, आप देख सकते हो, इसमें पूरा एकदम प्रॉपर है, सारे 2x 3x सब कुछ एकदम ओके परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, बट खाली मैसेज आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, तो इसका जो कैमरा है वो चेंज किया गया है, बिकॉज ये कुछ ब्लर हो गया है। इसके लिए ये मैसेज निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो हमें LB टूल का एक फ्लेक्स आता है, ये चाहिए होगा, और प्लस L3 मिनी करके प्रोग्रामर आता है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है, वो GC पे बनाया हुआ है। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये कैमरे का डेटा। तो कैमरे के डेटा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये डायरेक्ट इसमें कॉपी नहीं होता है, आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा QR कोड करके। आप जैसे ही इसको ओपन करें, कुछ ऐसा ओपन होगा और आप इसको स्कैन कर सकते हो, ऐसे स्कैन करोगे तो एक ऐसा कोड आ जाएगा। ओके, स्कैन करते ही जो 1x का, अगर आप जो QR है 1x का स्कैन करना है, इस वाले कैमरे का नहीं करना है, इस वाले कैमरे का जो QR कोड आता है यहाँ पे, उसको स्कैन करोगे तो एक ऐसा नंबर मिल जाएगा आपको। ओके, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने है ना LB टूल कनेक्ट कर दिया है, और ये हमारा फ़ोन है, आप इसका सीरियल नंबर भी मैच कर सकते हो। ठीक है, तो हमको स्कैन अपलोड पे क्लिक करना है। स्कैन अपलोड पे क्लिक करके जो कोड हमने कैमरे से स्कैन करके, उसके QR से स्कैन करके जो कोड लिया था, वो कोड को यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाओ कि जो हमने कैमरे से कोड को स्कैन किया था QR कोड स्कैनर के थ्रू, वो कोड को हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि किसी को डाउट होना चाहिए। तो आपको खाली फ़ोन कनेक्ट करना है और टूल कनेक्ट करना है, और टूल में कुछ नहीं करना है, और खाली स्कैन अपलोड पे हो गए क्लिक करके एक नया विंडो ओपन होगा, वो जो कोड है डायरेक्टली आप यहाँ पे पंच करो, पंच करके पूरा मैच कर लो, अच्छे से मैच कर लो, और इसके बाद अपलोड कर लो। अपलोड करते ही आपको आ जाएगा कि अनबाइंड सक्सेसफुली करके, मतलब कि जो कैमरे का एम्प्टीएशन था वो टूल ने ले लिया है। तो अब हम माइक्रोस्कोप पे आ गए हैं, और ये जो कैमरा है, जिसमें जो नया कैमरा है, ठीक है, ये नया कैमरा है, न्यू कैमरा है, बिकॉज इसमें मैसेज आ रहा है ना, तो ये न्यू कैमरा है, तो इसका फ्लेक्स हम हटा देंगे। 1x का ही फ्लेक्स हटाना है, जिसका QR कोड स्कैन, मतलब जो ओल्ड कैमरे का QR स्कैन किया था, अभी ये न्यू कैमरे का हम लोग वही वाला फ्लेक्स हटा रहे हैं। अगर आपने नोकिया C1 C2 की LCD लगाई है तो आपको पता होगा कि डिस्प्ले कैसे हट जाती है, बिकॉज ये है ना लिक्विड पंचिंग होती है, जो बड़ी मशीनें करती हैं, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं, बड़ा प्लांट होता है उसका। तो ऐसे ही आयरन लगाते ही आप उसको थोड़ा सा पुल करोगे तो आ जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो पूरा स्क्रीन पे प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लीन करना है, बिकॉज इस पर थोड़ा सा ग्लू होता है। और थोड़ा प्रॉपर क्लीन करना है, बिकॉज है ना, अगर ग्लू थोड़ा हाइट में रहेगा तो फ्लेक्स जो हम इस पर लगाने वाले हैं LB टूल का, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया, वो नहीं लगेगा। और उसके बाद आपको 11 नंबर ब्लेड लेके एकदम इजी टू उस पर स्क्रैच करना है, एकदम इजी टू गो, कुछ भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। देखो अभी पूरा पैड साइन हो रहा है, आप आगे का पैड देख सकते हो, और जो मैं जिसको स्क्रैच कर चुका हूँ उसका साइनिंग देख सकते हो कि उसमें साइन हो चुका है। और ये वीडियो बनाने का मतलब खाली इतना सा ही है, क्योंकि जो JC के टैग ऑन्स हैं, मतलब जो प्लग इन प्ले हैं, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, ठीक है, हम किसी भी कंपनी को ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो ख़राब है या अच्छी है या नहीं अच्छी है, हम ना JC को कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप 14 प्रो मैक्स का कैमरा का जो टैग ऑन है, अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो आपको 1700-1800 रुपये का मिलेगा, या मीन्स
1700 या 1800 का मिलेगा। लेकिन अगर आप एलबी टूल का फ्लेक्स लेते हो तो आपको 950, 800 और मे बी 1000 के अंदर, वो एक्चुअली में थोड़ा सा प्राइस जो होता है ना ये डॉलर पे डिपेंड करता है तो थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, बट आपको एक 100% श्योरिटी है कि आपको 800-900 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। और कोई भी बात नहीं है, अगर आप टेक्नीशियन हो तो इतना तो कर ही सकते हो, मतलब इजी टू गो काम है। आप खुद ही देख रहे हो, एकदम लाइव मैं कैमरे पे कर रहा हूँ और मैं अभी आपको सक्सेस भी दिखाऊंगा। 15 मिनट लगते हैं खाली इसको करने के लिए, 15 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। हमारे यहाँ लड़के कर देते हैं, हमारे जो बच्चे हैं ना जो फ़ोन खोलते हैं और बांधते हैं वो लोग ये काम कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी ये काम करने के लिए। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है काम करने के लिए तो फिर तो आप मतलब टेक्नीशियन हो ही नहीं, फिर अपने आप को आप टेक्नीशियन मत गिनो, फिर आप है ना फिटिंग वुटिंग का ही काम करो या तो हमारे यहाँ आ जाओ, है ना। तो ऐसी वाली बात है। और बाकी आपको ऐसे कोई भी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलबी, एलबी मतलब होता है लुवान, ठीक है, और 14 प्रो मैक्स लिखा हुआ है, 14 पीएम मतलब 14 प्रो मैक्स, पत्ते पे ही लिखा होता है उसका मॉडल नंबर। अभी हमने इस पे थोड़ा पीपीडी मिक्स फ्लक्स डाला हुआ है, बिकॉज इसको थोड़ा सा हम लोग है ना इसका कलर चेंज कर देंगे, बिकॉज इजी टू इंस्टॉल हो जाएगा ये, मतलब कि जैसे ही इसको लगाएंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो दोनों साइड से इसको कलर कर लेंगे, मतलब पहले फ्रंट साइड किया फिर नेक्स्ट टाइम। ये इसकी ईप्रोम है जिसमें कि हमारा डेटा राइट होगा, मतलब पत्ते में क्या होता है, पत्ते में आईसी लगी होती है, उसी में जो डेटा होता है वो राइट होता है, इसी वजह से मैसेज नहीं आता है। ओके, और बाकी आप लोग को इससे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई काम भी आपको कि मतलब हमारा भी ऐसा ही प्रॉब्लम है ऐसा ऐसा है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हम आपको 100% शॉर्ट आउट करेंगे। और बहुत भाई लोग यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और बहुत लोग काम भी भेज रहे हैं, और बहुत लोग ट्रेनिंग के लिए भी आ रहे हैं, और वो लोग 100% सेटिस्फाइड है। ऐसा होगा तो हम लोग एक रिव्यू वीडियो भी जल्दी शूट करेंगे, ठीक है। तो ये कैमरा लगाने का एक मैं अपना ट्रिक बताता हूँ, एक फर्स्ट पिन और एक लास्ट पिन को सोल्ड कर दो आप, ठीक है। मैंने फर्स्ट पिन सोल्ड की, उसके बाद लास्ट पिन सोल्ड की है, ठीक है। इसके बाद हम लोग टर्न बाय टर्न सारा उसको सोल्ड करते हुए जाएंगे। देखो अब मैंने स्टार्ट कर दिया, एक लगाया इधर, लास्ट वाला फिर से ज्वाइन किया, और एक सेंटर में ज्वाइन कर देना। इससे क्या होगा, जो फ्लक्स में एयर वगैरह आती है ना जिससे ऊपर नीचे हो जाएगा वो नहीं होगा। देखिए एक 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 ये चीज़ हो सकती है, हमने तो क्लैरिटी का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन हो सकता है काम करते वक्त कभी मैंने ऊपर नीचे किया हो और फोकस थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो ना, तो वो एक 2-4 सेकंड के लिए हुआ रहेगा। बाकी मैं 100% देखता रहता हूँ कि फोकस 100% ही रहे, मतलब आपको एकदम क्लियर टू क्लियर ही देखने को मिले, है ना। और बस इतना ही काम है, जितना आप देख रहे हो ना बस इतना ही काम है, ट्वीज़र लगा लगा के सोल्ड करना है, जिससे क्या होता है कि पैड टू पैड ज्वाइंट हो जाएगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट ज्वाइंट हो चुका है, तो अब जो भी पेस्ट वगैरह है उसको हम लोग पूरा क्लीन कर देंगे और इसको ऐसा टाइट फिट करेंगे, ऐसा टाइट फिट करेंगे कोई माई का लाल नहीं बता पाएगा कि यहाँ कैमरा मैसेज हुआ है इस पर, इतना टाइट फिट करेंगे इसको। अभी इस पर कवर करेंगे, बिकॉज कभी वाटर वगैरह आ गया तो कैमरे में जाके कैमरे को डिफॉल्ट कर सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा बहुत टाइट फिट भी करेंगे। इसके बाद हम लोग एक स्टिकर, मतलब अभी देखिए मैं स्टिकर लगाऊंगा इसके ऊपर, है ना, और इसके बाद मैं इसको यूवी भी करता हूँ, मतलब कि पानी जाने की वजह से हमारा काम नहीं खराब होना है। आप देख सकते हैं स्टिकर आ गया है, मतलब किसी को नहीं पता चलेगा कि ऑपरेशन हुआ है, ताकि भी ऐसे लगाते हैं ना कि दिखे ना वो, ठीक है। देखिए ये देखिए एकदम जेन्यून टू जेन्यून है, एकदम देख रहे हो आप। इसके बाद मैंने इस पर यूवी लगाई है, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, क्योंकि यूवी ग्लू लगाने के बाद क्या होता है कि उसको ड्राई करना पड़ता है ना, और वो ड्राई करना ये वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो अभी देखो मैंने सीधा टूल खोल लिया है और आप देख सकते हो कि ये टूल है, और अभी हम इसमें फिर से फ़ोन कनेक्ट करेंगे और टूल भी कनेक्ट करेंगे। तो अभी लॉगिन नहीं है, इस कॉर्नर पे आप देख सकते हो कि लॉगिन नहीं है, है ना, तो और ना फोन कनेक्ट हुआ है। तो पहले फोन कनेक्ट करेंगे, टूल भी देखो टूल कनेक्ट कर दिया तो टूल का नंबर आ गया, ठीक है।
और अभी हमें फोन कनेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वजह से ही हमको डेटा मिलेगा। और ये हमारा 14 प्रो मैक्स आ गया है, आप इसका सीरियल नंबर वगैरह सारा मिला लीजिए। आप जब तक राइट नहीं कीजिए जब तक इसकी सारी डिटेल्स नहीं आ जाती, जैसे लैटिक इंफ्रारेड और ये एम्बिएंट फ्रंट कैमरा, ये सब चीज़ें की डिटेल नहीं आ जाएगी तब तक आप है ना कोई भी ऑप्शन पे क्लिक मत कीजिए, बिकॉज ये सर्वर से लिंक हो रहा है फ़ोन, क्योंकि हमने जो बैकअप किया था वो सर्वर पे किया। देखिए अभी सारा कुछ आ गया, लैटिक इंफ्रारेड और एम्बिएंट वगैरह सारा कुछ। तो हम क्लिक करेंगे राइट बैकअप पे, जो राइट बैकअप है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जब तक आपको कैमरा नहीं निकालना है, जब तक ये अनलाइट है ना, हाईलाइट ना हो जाए, जब तक कैमरा नहीं निकालना है आपको, मतलब जो आपने वो फ्लैक्स को बॉन्ड किया था अभी इसको आपने टूल में लगा दिया है, ठीक है, और आपने राइट बैकअप किया है, बट जब तक नहीं निकालना जब तक ये हाईलाइट ना हो जाए। अभी ये डी लाइट है, मतलब उस पर कुछ भी वो नहीं है, वो उभरा नहीं है ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सक्सेसफुल हो चुका है, और आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चलता है कि नहीं चलता है, आइए देखते हैं। सक्सेसफुल हो चुका है। तो हमने इसको प्रोग्राम कर लिया है, ठीक है, और ये कैमरा है, इसका प्रोटेक्शन हटाएंगे और देखेंगे काम हुआ कि नहीं। ये वही LB टूल का फ्लेक्स है, ओके। तो देखते हैं इसका मैसेज गया कि नहीं। तो यहाँ पे अब कोई मैसेज नहीं है, पहले यहाँ पे मैसेज था, ओके। नेक्स्ट हम जनरल में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है। चलो ये तो ठीक है, अब कैमरा चलता है कि नहीं वो देखेंगे। तो आप देख सकते हो सारे कैमरे चल रहे हैं, ओके। ये मेरा हाथ है, ये 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 सारे कैमरे का फंक्शनिंग एकदम ओके है, और अब कोई मैसेज भी नहीं है। आप अबाउट में देख सकते हो और उधर भी देख सकते हो। और एक बात, हमें इस कस्टमर ने बोला है कि ये फ़ोन को 1 TB बनाना है, बिकॉज ये हमारा वीडियो देख के आया हुआ है कस्टमर, तो हम इसको 1 TB भी बनाएंगे, ओके। तो आशा करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।